फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहाँ पर रिव्यू लेने कि आखिर उनका पेपर कैसा गया है। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जकी भैया से आप पढ़े थे तो कैसा लगा था आपको। मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया है। मैंने तो जकी भैया से पढ़ा था। जकी भैया तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि तो चलिए कवर अप करते हैं हमारी नई यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बोर्ड्स 2022 2023 के सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा आप लोग को मजा आने वाला है इस यूनिट में क्योंकि आप लोग को काफी सारे एनिमेशन और एक्चुअल वीडियोज आप लोग को एम्बेड करके दिया हूँ जिसके थ्रू आप लोग को और ज्यादा यार कहीं ना कहीं मजा आएगा वीडियो में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलो अप जरूर कर लेना इंस्टा पे, साथ में टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसके थ्रू सारी अपडेट्स आप लोगों को क्लास रिगार्डिंग मिलते रहती है और एकेडमी में भी जरूर फॉलो अप कर लेना सो दैट आप लोग को सारी क्लासेस की अपडेट्स भी रेगुलरली मिलते रहे। इसके साथ साथ अन अकेडमी की तरफ से आप लोग को एक सेल चल रही है जहां पे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में 20% तक के ऑफ मिल रहा है टिल 28 जनवरी। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द अवेल करें बाय यूजिंग माई कोड Zaki100 और आप लोग अन अकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो सीबीएसई का, सीयूईटी के लिए, किसी के लिए। तो जल्द से जल्द जाओ, टाइम कम है, रिपब्लिक सेल खत्म होने वाली है, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखो क्लियर है भाई, इसी के साथ साथ नोट्स को डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्टेंट से। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमें ये सभी टॉपिक्स पढ़ना है। पहली चीज तो ये जो लास्ट ईयर का सिलेबस था हमारा योगा एंड लाइफस्टाइल का वो एकदम डिफरेंट था और इस साल का जो सिलेबस आया वो एकदम ही डिफरेंट है। तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा परेशान नहीं होना है, पुराने वाले वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है, न्यू वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे आसन नए एड ऑन करके दिए गए, रीशफलिंग हुई है, बहुत सारे चेंजेस है। क्लियर भाई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर योगा होता गया। तो योगा जो स्पेसिफिक वर्ड है ये युज वर्ड से डिराइव हुआ जो कि एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब यूनियन या यूनाइट करना होता है। अब यार योगा की दो डेफिनेशन बन सकती है, या तो स्पिरिचुअल वे से या तो अगर हम कहें तो इसको फिजिकल एजुकेशन की वे से समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल वे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो मतलब आत्मा की परमात्मा के साथ मिलन कराना, वो योगा का आसन होते हैं। क्लियर दोस्त, या योगा की फॉर्म की एक्सरसाइजेस है। अब दूसरी चीज, योगा को फिजिकल एजुकेशन के फॉर्म में समझ रहे हो तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि अगर आप रेगुलरली योगा करते हो तो आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रख सकते हो, मेंटली वेलबींग रह सकते हो, स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर हो सकते हो। ये सभी चीजें आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से योगा के बारे में समझाती है। क्लियर है भाई। तो आप लोग चाहो तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो। क्लियर है दोस्त, हाँ या ना। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था और आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, वो है आसन। आखिर ये आसन क्या होता है? देखो योगा मतलब फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो पोस्चर हमें करने हैं उसे कहते हैं आसन। तो आसन के बारे में पतंजलि जी ने बताए हैं, पतंजलि कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहे कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब आसन की डेफिनेशन दी उनने और उसका मतलब क्या होता है भाई, दैट पोजिशन विच इज कम्फर्टेबल एंड स्टडी। क्लियर दोस्त। इसके अलावा ब्रह्मोपनिषद में भी यार आसन के बारे में बताया गया है, टू सिट कम्फर्टेबल पोजिशन और अ पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड दैट इज कॉल्ड एज आसन। तो आसन क्या होते हैं दोस्त? आसन एक ऐसे फॉर्म के पोजीशन है जिसके थ्रू आप योगा के स्पेसिफिक फॉर्म को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर दोस्त, आई होप यहां तक के क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि क्या बेनिफिट होते हैं आसन के। तो आसन के बेनिफिट वही होंगे जो योगा के बेनिफिट है। क्लियर है भाई, क्योंकि योगा तो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उसको परफॉर्म करने के लिए आसन कर रहे हैं, तो दोनों के बेनिफिट सेम है। अगर पूछ ले तो दोनों एक ही जगह पे आप लोग चढ़ा के आ जाना। तो यार अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो बोन्स और जॉइंट्स आपके स्ट्रांग होंगे, मसल्स पावर आपकी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूव होने वाला है, साथ में लंग्स की कैपेसिटी या मैं कह सकता हूँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह अगर आपको है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड चीजों को आपको ठीक करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग बेटर कर सकते हो, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को आप लोग बेटर कर सकते हो, साथ में आप लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी ठीक कर सकते हो, पाचन तंत्र रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी है ना, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो आप रेगुलरली योगा करो जिसके थ्रू आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली डिसीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं
जिसका नाम है ओबिसिटी। तो आखिर ओबिसिटी होती क्या है? तो ओबिसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर मैं बीएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 29.9 के अबव आता है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर आते हो। हिंदी में उसको कहते हैं कि मोटापा आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, चलिए जानते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से आसन हमें ओबेसिटी के लिए देखना है। तो सबसे पहले अगर आसन की बात करें तो उसका नाम है ताड़ासन। तो ताड़ासन को आइए समझते हैं मोदी जी के साथ। ताड़ासन, ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं, हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला आसन है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन को कैसे परफॉर्म किया जाता है? कुछ इस तरीके से आपको बॉडी पोस्चर होना चाहिए। सिंपल, आपको खड़े रहना, दोनों हाथों को सामने करना और फिर साइड करना, एक बार ऐसे देन ऐसे। आप एक बार ऑब्जर्व करोगे इसमें कि आपकी जो यहाँ पे कमर है वो ट्विस्ट हो रही है। जब कमर ट्विस्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए बेनिफिशियल होगा, स्पाइन के लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, आप लोगों को योगा के आसन के क्या बोलते हैं प्रोसीजर को रटना वटना नहीं है। आपको ध्यान से देखना है कि यार पोस्चर को करा कैसे जा रहा है। तो आप क्या करो, डायग्राम याद रखो उसके नाम के हिसाब से। जैसे कटी चक्रासन को ऐसे करते हो, दिमाग में खुद सोचो कि यार अच्छा, मतलब सबसे पहले हाथों को इधर लेना, फिर ट्विस्ट करना अपनी बॉडी को। तो अपने आप लोग पोस्चर्स बना सकते हो ना, प्रोसीजर्स बना सकते हो ना, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जब भी आप प्रोसीजर्स देख रहे हो तो उसमें आप ऑब्जर्व करना कि जो भी मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्क्वीज हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, उसके लिए बेनिफिट होता है। जैसे कमर मोड़ रही है तो कमर के लिए बेनिफिशियल है। अब साथ ही साथ ये ऑब्लिक्स के लिए बेनिफिशियल होगा, तो मोटापा वोटापा भी आपका निपट जाएगा। स्पाइन के लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि पक्का अगर बैक पेन वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करेगा। तो जो जो मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। क्लियर है भाई? तो ऐसे आप लोग कोई भी आसन को याद रख सकते हैं उसके बेनिफिट्स। तो आइए जानते हैं कटी चक्रासन के बारे में। तो कटी चक्रासन में कटी वर्ड को यूज किया जाता है वेस्ट के लिए। चक्र मतलब होता है व्हील या फिर सर्कुलर या रोटेशन, और आसन मतलब होता है पोस्चर। तो कटी चक्रासन एक ऐसे टाइप का रोटेशनल फॉर्म का योगिक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी कमर रोटेट होती है। और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि जिसको अपनी कमर को फ्लेक्सिबल करना है उनके लिए। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्ट्रेच्ड फॉर्म की योगिक एक्सरसाइज है। आई होप यहां तक क्लियर है। अगला देखते हैं पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन को समझते हैं मोदी जी के साथ। पवन मुक्तासन, पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। ये आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं।
अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थि बंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया ये आसन ना करें। हर्निया और सायटिका के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः सवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पॉज करके रीड कर लो। इसके साथ साथ अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन को हम लोग कहते हैं फिश पोज। मत्स्य वर्ड एक्चुअल में संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब फिश होता है, इसे फिश पोज कहा जाता है। ये आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर योगिक आसन है और बेसिकली इसको अगर मैं कहूं तो यार कैसे परफॉर्म किया जाता है तो कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। पहले आपको ऐसे बैठना है, सेकंड नंबर पे इस तरीके से अपने हाथों को सामने रखना है, फिर धीरे धीरे पीछे जाना है। आपके हाथ पीछे होने चाहिए। देखो पीछे ऐसे हाथ इसलिए रख रहे हैं कि सो दैट आप अपना बैक आर्च फॉर्म कर सको। जैसे ही बैक आर्च फॉर्म करें तो आपने अपनी मुंडी को पीछे की तरफ रोटेट कर लिए, ठीक है, यहां से बैलेंस हो गया और दोनों हाथों को ये पालती मार के जो हाथ रखे थे ना इससे पकड़ लेना। इस तरीके से आप लोग को करना है। इसको फिश पोज कहा जाता है। आप में से कहोगे कि फिश कैसी दिख रही है? लगभग फिश बन गई। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको फिश आसन को मतलब फिश पोज को किया जाता है। क्या क्या बेनिफिट होते हैं भाई? देखो, नेक स्ट्रेच हो रहा है, आईज के पास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो जिनको कम दिखाई देता है अपनी आंखों रिलेटेड प्रॉब्लम तो उसको ठीक किया जा सकता है। नेक रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको ठीक किया जा सकता है। शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है। क्लियर है भाई? अगले आसन के बारे में बढ़ते हैं जिसका नाम है हालासन। तो आखिर ये हालासन क्या है? देखो भाई, हालासन को प्लो पोज भी कहते हैं या प्लो पोज, हो सकता है प्रोनंसिएशन मेरा गलत हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो प्लो पोज के लिए आपको करना कैसा होगा? पहले तो लेट जाना और पूरे को पीछे ले लेना और अपने हाथों को सामने ले लेना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका पेट स्क्वीज हो रहा है, आपका यहाँ पे बट और लोअर बैक स्क्वीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बेनिफिशियल तो डेफिनेटली होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि प्लो पोज क्या होता है। तो बेसिकली एक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग फॉर्म ऑफ योगिक एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट इस तरीके से होते हैं कि यार आप लोग जब इस स्पेसिफिक आसन को परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर बेली फैट में जो फैट बेली फैट जो होगा मतलब वो रिड्यूस हो जाता है। बॉडी के अंदर कहीं पर भी एक्सेसिव फैट है वो रिड्यूस हो जाता है और आपकी मेमोरी और पावर भी इंक्रीज होती है बिकॉज यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है। ब्लड सर्कुलेशन जहां ज्यादा जाएगा वहां न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचेगा और डेफिनेटली वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मसल की ज्यादा होगी। अगले आसन के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन नाम से समझ में आ रहा है कि वेस्टवर्ड पोजीशन टाइप का कुछ आसन है। तो इसको कहा जाता है वेस्ट स्ट्रेचिंग पोज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की तरह आपको मूव करना है। अब ये पश्चिम की तरह फेस क्यों किया जा रहा है भाई? किससे रिलेटेड है? कॉमेंट बॉक्स में बताओ।
चलो भाई, तो कैसे परफॉर्म करना है? कुछ इस तरीके से आपको करना है कि आपको पहले बैठ जाना है और फिर सामने की तरफ आप लोग को पूरी तरीके से झुक जाना है। झुकने के साथ साथ आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने सीधे रहने चाहिए। इसी के साथ साथ आपके हाथ जो है पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना, थोड़ी देर आपको टेंशन डेवलप करके रखना, फिर रिलीज करना। आखिर क्या क्या बेनिफिट होता है? देखो, आपका जो एब्डोमिनल है वो स्क्वीज हो रहा है, यहाँ पे ओबेसिटी तो रिड्यूस हो रही, बैक भी स्ट्रेच हो रहा है। हाँ जी, आप जब ऐसी पोजिशन पे आओगे तो देखोगे आपके हैमस्ट्रिंग भी घिसते, दर्द होता है ना पैर में, तो कहीं ना कहीं और उन सब के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो सीधी सिंपल बात, अगर किसी को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम में इश्यूज आ रहे हैं तो उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। फर्टिलिटी को एनहेंस करना है तो उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। एनजाइटी, हेडेक, अगर अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है तो उसको ठीक करता है। फैट आपकी बॉडी के अंदर जो एब्डोमिनल पोर्शन में, उसको ये डिक्रीज करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है। क्लियर है भाई? अगले आसन के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो अर्धमत्स्येंद्र आसन में, अर्धमत्स्येंद्र आसन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाफ फिश पोज। तो यह हाफ फिश पोज है, नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक के? द हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज। क्लियर है भाई यहां तक के? आखिर इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? कुछ इस तरीके से करते हैं। वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्र आसन में कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है? वक्रासन में आपका पैर जो ये वाला पैर रहेगा ना, ये सीधा रहता है, बाकी सेम ही पोस्चर रहता है। क्लियर दोस्त? इसमें आप देख रहे होंगे आपका ये वाली जो टांग ये घिंच रही है, हाँ या ना, आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताओ, जब ये आप ट्विस्ट हो रहे हो, आपका जो ये वाला पोर्शन ये घिंच रहा है, आपका एब्डोमिनल स्क्वीज हो रहा है, तो इन सबके लिए बेनिफिट है। साथ में आपका बाइसेप भी स्ट्रेच्ड हो रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये आपकी बॉडी के अंदर के किडनी और लीवर के फंक्शन को ठीक करता है, हिप शोल्डर नेक को स्ट्रेच करता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर बूस्टअप करता है, और अगर पीरियड्स रिलेटेड कोई डिस्कम्फर्ट आ रहे हैं तो उसको ठीक करता है। क्लियर है भाई? समझ में आया? अगला जो स्पेसिफिक आसन है, इसे कहा जाता है बो पोज, या जिसको कहते हैं धनुरासन। तो आखिर ये धनुरासन क्या है भाई? यहाँ पे आप लोग को देखो, इस तरीके से आपको पोस्चर में आ जाना है। मलाइका जी यहाँ पे आपको दिख रही है, मल्ला। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे पैर, मतलब आपको पहले तो लेट जाना है पेट के बल, और अपने पैरों को ऊपर लेकर आना और हाथों से इस तरीके से पढ़ना। आई नो ये टफ पोजीशन है, बट जैसे जैसे आप करोगे तो डेफिनेटली ये बन सकता है। ये किस्म का फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हो। इस धनुरासन के थ्रू आप लोग, यार मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेचिबिलिटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। क्या बेनिफिट होते हैं इसके आपकी बॉडी के अंदर? देखो भाई, ये बैक को कहीं ना कहीं स्क्वीज कर रहा है तो बैक में स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा, एब्डोमिनल के पोजिशन पे उसको भी सही करेगा, साथ में आपके बॉडी के अंदर जो स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको सही करेगा, और आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव फैट है उसको रिड्यूस करने वाला है। अगला आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन को आइए जानते हैं मोदी जी के साथ। उष्ट्रासन, उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखें। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद
अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में है सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो आई होप आप लोग को यार उष्ट्रासन समझ में आ गया होगा। अगला आसन है जिसका नाम है सूर्यभेदन प्राणायाम। तो सूर्यभेदन प्राणायाम क्या चीज है? तो बेसिकली ये एक किस्म का प्राणायाम है जिसमें कि आप लोग स्पेशली ये वार्मिंग एनर्जाइजिंग प्राणायाम के फॉर्म में इसको काफी ज्यादा फेमस है। इसमें यार स्पेशल चीज क्या है कि आप लोग है ना प्राणायाम जो करते हो वो विष्णु मुद्रा के पोजीशन पे करते हो। जो हैंड जेस्चर है आप लोग का वो विष्णु मुद्रा के पोजीशन में होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। पहली चीज प्राणायाम में क्या होता है, दैट इज दी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एक किस्म का मेडिटेटिव आप लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। क्लियर है भाई? तो जैसे आप देख रहे होंगे, आप देखो प्राणायाम तो कर रहे हो, तो जो आपका हाथ है वो इस मुद्रा में होना चाहिए, इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा। तो इस तरीके का विष्णु मुद्रा आप लोग को करना है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे पहले यार अंगूठे के थ्रू आप लोग को नाक बंद करना है, सांस अंदर लेना है, फिर उसके बाद जो ये वाली फिंगर है इसको आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से रखना और इसके थ्रू नाक को छोड़ना, मतलब नाक को नहीं छोड़ना, हवा को छोड़ना। क्लियर? नाक छूट गई बोले ना, नाक बह गई वो देखिए अब ये पागल जी नहीं पाए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। करते क्या है, आखिर क्या क्या बेनिफिट होते हैं? मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, आपकी ब्रीथिंग टेक्निक हो रही है, ओबेसिटी रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर बेटर होगी और बॉडी का फंक्शन बढ़िया होने वाला है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम को इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये जितने भी आसन अभी हम लोगों ने पढ़े ये सभी के सभी ओबेसिटी के फॉर्म के थे। अब जानते हैं कि डायबिटीज के अंदर हम लोग क्या जानने वाले। तो बेसिक फॉर्म डायबिटीज होता क्या है, देखो डिटेल फॉर्म में नहीं लिखना है, बायो की लैंग्वेज में नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिख कर आना है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी टाइप की कंडीशन है जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज हो जाती है। हमारे इंडिया में इसको कहते हैं कि शुगर वाली बीमारी हो गई, मतलब डायबिटीज है। क्लियर दोस्त? तो ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। इसका कोई भी यार फाइनल ट्रीटमेंट अभी तक के नहीं आ पाया, जैसे कोविड का की वैक्सीन लगाया डायबिटीज ठीक हो गई, ऐसा वाला सिस्टम इसका अभी तक के नहीं हो पाया। इसको मेडिकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है या आपको एक्सटर्नली इंसुलिन लगाना पड़ता है। डायबिटीज में होता ही है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन डेवलप नहीं कर पाती, तो आप लोग को फिर इसको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ चीजों के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू या फिर एक्सटर्नल इंसुलिन आप लोग को पेट में लगानी पड़ती है। क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में से कौन से टाइप की डायबिटीज मेडिकेशन के थ्रू ठीक होती है और दूसरी कौन से टाइप की डायबिटीज जिसमें आप लोग को एक्सटर्नल इंसुलिन पेट में लगाने पड़ते, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं। अब यार डायबिटीज से बचने के लिए या उसको ठीक करने के लिए कौन से आसन करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को ओबेसिटी में हमने कवर कर लिए, जो यहां पे भी रिपीट हुआ अभी मैं समझा देना चाह रहा हूं। आपको लग रहा था ना कि इतने सारे आसन है कैसे याद करेंगे, अरे मैक्सिमम आसन रिपीटेड है हर स्पेसिफिक डिसीज के अंदर। क्लियर है? तो कटी चक्रासन डायबिटीज को भी ठीक करता है, पवन मुक्तासन डायबिटीज को भी ठीक करता है, इसको ओबेसिटी में पढ़ लिए हैं। आइए समझते हैं कि भुजंगासन को कैसे किया जाता है मोदी जी के साथ। भुजंगासन, भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकर आसन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें, अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकर आसन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें, अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं, एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है।
हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक ये आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस ले। भुजंगासन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा भुजंगासन। अब जान लेते हैं कि शलभासन को कैसे परफॉर्म करते हैं मोदी जी के साथ। शलभासन, शलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड्डा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकर आसन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकर आसन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीप इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो। एक गहरी सांस लेते हुए सिर्फ अपने नितंब यानी कूल्हों की मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को सिर्फ उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सके। आप पैरों को ऊपर उठाए रखने के लिए अपनी बाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सके। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। ये आसन सायटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से राहत देता है, कूल्हों और गुर्दों के आसपास की मांसपेशियों को आकार देता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर जांघों की चर्बी घटती है और वजन कम होता है। ये आसन हमारे पेट के लिए भी लाभकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद्ध होता है। गर्भवती महिलाओं, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाई बीपी और हृदय के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए। अब मकर आसन में आने के पश्चात विश्राम करें। ये आसन आपके मानसिक तनाव और थकान को भी दूर करता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अगला जो आसन है उसको कहते हैं धनुरासन। ये भी बेनिफिशियल होता है डायबिटीज के लिए, जिसको हम लोगों ने ओबेसिटी में कवर अप कर लिया। अगला है स्तूप वज्रासन। तो स्तूप वज्रासन क्या है भाई? तो देखो यार, स्तूप वर्ड यहाँ पे स्पेशली मेंशनड हो रहा है किसके लिए? रिक्लाइंड के लिए या स्लीपिंग के लिए। वज्र का मतलब होता है थंडरबोल्ट और आसन का मतलब पोस्चर। तो एक किस्म का ये रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज इसको कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और जैसे आप देख रहे होंगे तो मत्स्य आसन आप लोगों ने देखे थे ना अभी, फिश पोज, उसके जैसा जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। लेकिन उसमें आप लोगों ने पालती मारे हुए थे और आपके दोनों हाथ घुटने की उंगलियों से टच थे। घुटने की उंगली कब से होने लग गई? पैर की उंगली से। क्लियर है भाई? तो यहां तक क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है। अब ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है? सबसे पहली चीज ये डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है। ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, साथ में शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग को बेटर करता है। आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको सही करता है। क्लियर है भाई? और स्तूप टाइप का पोजिशन में आना, स्तूप मतलब सांची स्तूप। क्लियर है? कुछ इस तरीके से है। समझ में आया कि नहीं? दिख रहा है स्तूप? वाह क्या बनाते हो भैया, उल्लू। चलो भाई अगला देखते हैं। इसका नाम है पश्चिमोत्तासन, जिसको ओबेसिटी में कवर अप कर चुके हैं। वो डायबिटीज के क्योरिंग के लिए भी बेनिफिशियल है। क्लियर है भाई? अगला होता है अर्धमत्स्य सिंद्रासन, जो अभी थोड़ी देर पहले ओबेसिटी में देखे, वो यहाँ पर रिपीट हुआ है तो हम फिर से रिपीट करके इसको पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगला है मेंडुकासन। मेंडुकासन को कहा जाता है फ्रॉग पोज। क्लियर है? ये किस्म की हाथा योगा के अंदर आता है और आज के टाइम में इसको मॉडर्न योगिक आसन के अंदर इंक्लूड करा गया है। इसमें आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो मेंढक की तरह करना पड़ता है, फ्रॉग की तरह करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे पेट में दर्द हो गया तो इस तरीके से हो जाना। क्लियर है भाई? तो पैर आपके इस तरीके से रहेंगे, आपको पेट को इस तरीके से पड़ना और नीचे हो जाना है। क्लियर है भाई यहां तक के? और स्क्वीज्ड करके रखना है। अब ये क्या चीज के लिए बेनिफिट देता है? पहली चीज ये,
अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज वाला प्रॉब्लम है तो उसको सही करेगा। आपकी बॉडी के अंदर थाइज और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होगा थाइज और लेग्स में उनको रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपके पेट रिलेटेड, पाचन तंत्र रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है ना उसको भी सही करेगा। और डायबिटीज के अंदर है तो डायबिटीज को तो सही करेगा ही। क्लियर भाई? अगला आसन होता है गौमुख आसन। तो गौमुख आसन जो वर्ड है एक्चुअल में ये आया है गौमुख आसन, मतलब क्या, गो रिफर टू दी काऊ है ना, गऊ की बात करते हैं हम, तो ये काऊ पोज इसको कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। देखो कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, आपके पैर इस तरीके से समझ रहे हो ना क्रॉस फॉर्म में होने चाहिए, आपके दोनों हाथ इस तरीके से टाइटली बाउंड होने चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपका ट्राइसेप खिंच रहा है, आप जब जितना ज्यादा आप ऊपर स्ट्रेच करोगे तो आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो पैर है ये भी यहाँ पे क्रॉस्ड फॉर्म में है, तो हिप और जो आपका हिप वाला पोर्शन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो यार इन सभी चीज़ की स्ट्रेंथनिंग करता है, किस किस की, एंकल की, हिप की, थाइस की, शोल्डर की, ट्राइसेप की और चेस्ट की स्पेशली। क्लियर है भाई? इसी के साथ साथ याद रखना ये आपकी बॉडी के अंदर लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है गौमुख आसन के थ्रू। क्लियर भाई? तो दिमाग लगा लो, गौमुख आसन पक्का अस्थमा के अंदर भी आने वाला होगा। समझ में आ रहा है? जो भाई यार लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली वो किसके अंदर आएगा भाई, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम को भी तो ठीक कर सकता है ना। आई होप यहाँ तक कि तुम लोगों को क्लियर है। अगले स्पेसिफिक आसन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है योगा मुद्रा। तो योगा मुद्रा एक किस्म का डीप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, वैसे तो आप अभी जवान भी नहीं हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, तो ये आपको ना ऐसा, मतलब ये एक ऐसे फॉर्म का आसन है जो आपको ना एंटी एजिंग करने की कोशिश करेगा ना, आपको बुढ़ापा रोकने की कोशिश करेगा। तो ये काफी बेनिफिशियल आसन है, इसको आप लोग को जरूर करना चाहिए। इसको लोटस पोज के थ्रू बिगेन किया जाता है। लोटस पोज मतलब कि पद्मासन के थ्रू इसको स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है भाई? तो कैसे परफॉर्म करते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे आप देख रहे होंगे आपने पालती मार के बैठे हुए थे, आपका ये वाला हाथ उधर वाला जो पैर है उससे टच है, और उधर वाला हाथ इधर वाले क्या बोलते हैं पैर के अंगूठे से टच है। क्लियर है भाई? और आपका देखो नस मस्तक आप लोग को होना इस तरीके से, नाक और आपका चिन टच होना चाहिए। क्लियर है भाई? यहाँ तक के मेंडुकासन को थोड़ा सा और नीचे ले लिए किस्म से। क्लियर है भाई? तो क्या क्या चीज के लिए बेनिफिशियल है भाई? तो सीधी सिंपल बात, ये आपकी मसल्स को टोन अप करेगा, सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाएगा, स्पाइन कॉलम को बेटर करेगा, साथ ही साथ ये इंटरनल एब्डोमिनल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही तो उसको भी सही करेगा, और साथ में डायबिटीज को तो ठीक करने ही वाला है। अगला स्पेसिफिक आसन जिसका नाम है उस्त्रासन, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देख चुके हैं, कवर कर लिए है ओबेसिटी के अंदर। क्लियर है? जो डायबिटीज को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ अगला है कपालभाति प्राणायाम। तो आइए जानते हैं मोदी जी के साथ कपालभाति। It stimulates respiratory centers in the frontal brain. Sit in any meditative posture. Close the eyes and relax the whole body. Inhale deeply. Expand the chest. Expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscles. Continue active exhalation and passive inhalation. Then, take a deep breath. Exhale slowly and relax. This is one round of Kapalabhati. Each round should be followed by deep breathing. Now do two more rounds. Kapalabhati purifies the frontal air sinuses, helps to overcome cough disorders. It is useful in treating colds, rhinitis, sinusitis, asthma, and bronchial infections. Please avoid this practice in case of cardiac conditions, high blood pressure, vertigo, migraine, stroke, hernia, and gastric ulcers. Maa, mujhe kuch dikhai nahi zara maa. तो आई होप आप लोग को ये आसन स्पेसिफिकली समझ में आ गया होगा। अगला जो स्पेसिफिक डिसीजेस का नाम है अस्थमा। तो अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक ऐसे टाइप का रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसमें कि आपके जो स्पेसिफिक लंग्स है उसके अंदर यार सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। अब सांस लेने में तकलीफ कैसे होने लग जाती है? जो आपकी बॉडी के अंदर एयरवे है जहां से आप सांस लेते हो, विंड पाइप जो है, जो आपका विंड पाइप है, ये एक्चुअल में ब्लॉक होने लग जाता है। जैसे आप समझो एक पानी का पाइप है,
है ना, आप पानी चालू करें तो पाइप से पानी बह रहा है, इजीली बह रहा है, जैसे आप उसको ब्लॉक करोगे तो कहीं ना कहीं पानी को बाहर निकलने में तकलीफ होती है ना, इसलिए तो पानी दूर दूर तक जाने लग जाता है, सेम टू सेम प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है। ऐसे ही होता है जिनके साथ अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाता है, उनकी जो एयर वे है उसमें एक्चुअल में स्वेलिंग होने लग जाती है और जो एयर पास होने की जगह है वो बहुत ही कम हो जाती है। इस वजह से ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूकस डेवलप हो जाता है कफ वगैरह के थ्रू, या फिर इससे रिलेटेड ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंबी लंबी सांस खींच रहे हैं क्योंकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर जा नहीं पा रही ना इस वजह से। तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम बहुत डेंजरस डिसीज होता है, ये एक किस्म से बड़े पापा ऑफ COVID-19 है, तो याद रखना। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज क्लियर है, एग्जाम में आप लोग को अस्थमा के बारे में आ सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्लियर है भाई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आसन्स फॉर अस्थमा, कौन कौन से रिस्पेक्टिव आसन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले, तो सीधी सिंपल बात, सबसे पहला होता है ताड़ासन। तो ताड़ासन जो स्पेशल आसन है इसको हम लोगों ने पहले पढ़ चुके थे, फिर रिपीट करके क्या मतलब। अगला है ऊर्ध्वहस्तासन। ऊर्ध्वहस्तासन और ताड़ासन कहीं ना कहीं सिमिलर है देख लो, लेकिन यहाँ पे आप लोग हाथ जोड़ कर रहते हो, क्लियर है। ताड़ासन में आप लोग के हाथ इस तरीके से रहते, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लियर है भाई। तो ऊर्ध्वहस्तासन को कहा जाता है रेज हैंड पोज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सिमिलर होता है ये ताड़ासन जैसे, जिसको पाम ट्री पोज कहा जाता है। अब एक्चुअल में यार इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेनिफिशियल देता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है और बॉडी के पोस्चर को ये सही करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ अगला आसन के बारे में जाने, उत्तमा मेंढुक आसन, आइए जानते हैं मोदी जी के साथ। अब हम उत्थान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैला लीजिए, श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए, हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए, सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत बड़ी श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए, अब घुटनों को भी मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में आए, अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। उत्थान मंडुकासन पीठ एवं गर्दन की तकलीफ के छुटकारा दिलाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो स्पेसिफिक आसन देखने वाले, इसका नाम है भुजंगासन, जिसको हम लोगों ने आई थिंक इससे पहले कवर अप कर चुके हैं और ये फिर से रिपीट हो रहा है और ये अस्थमा के लिए भी बेनिफिशियल है, क्लियर भाई। इसके बाद है धनुरासन, जो कि इससे पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक डिसीज में देख चुके हैं, जो इस डिसीज को भी क्योर करता है। इसके बाद है उस्त्रासन, ये भी यार इससे पहले पढ़ चुके हैं और ये भी अस्थमा को ठीक करता है, क्लियर है भाई। इसके बाद आता है अगला वक्रासन, तो वक्रासन के बारे में जानते हैं मोदी जी के साथ। वक्रासन, वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। अब अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक आराम से रहें। वक्रासन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। ये आसन अग्नाशय यानी पैनक्रियास को उत्तेजित कर मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानी लिवर के लिए भी लाभकारी है। वक्रासन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यदि आपको गंभीर रूप से पीठ दर्द हो या रीढ़ संबंधित तकलीफ हो या स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो कृपया ये आसन ना करें। अगर आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी ये आसन ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद
सांस छोड़ते हुए अपने शरीर, सर और पैरों को सीधा करें और पुनः दंडासन की मुद्रा में आ जाएं। अब अपने दोनों हाथ पीछे रखते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद इस पूरे क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। नियमित रूप से वक्रासन करने से आपके पेट की चर्बी घटती है और आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर सकारात्मक असर होता है, जो आपको कब्ज मुक्त जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो अगला आसन आप लोग को दिख रहा है कपाल भाती प्राणायाम और गौमुख आसन। इसको हम लोगों ने इससे पहले वाले रिस्पेक्टिव डिसीज में देख चुके हैं। ये अस्थमा को भी ये दोनों आसन ठीक करते हैं। इसके बाद अगला आता है अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। तो ये भी आप लोग का इससे पहले हम लोगों ने रिस्पेक्टिव डिसीज में कवर अप कर चुके हैं, जो अस्थमा को भी ठीक करता है। और इसके बाद आखिरी में आप लोग का आता है अलोम विलोम। चलिए इसको समझते हैं मोदी जी के साथ। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिक आसन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। प्रारंभ में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा, लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गई होगी, मैक्सिमम आसन हर जगह रिपीट है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक छोटा सा चार्ट बना लो कि यार अलोम विलोम वाला जो आसन है ये कहां कहां पे रिपीट हो रहा है, कपाल भाती कहां कहां पे रिपीट हो रहा है, मतलब चारों डिसीज में से कौन कौन से में, भुजंगासन कहां कहां पे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, याद रखने में ईजी रहेगा। समझ में आया दोस्त? तो अगला और लास्ट आप लोग का जो स्पेसिफिक डिसीज है, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? दैट इज द बड़े पापा ऑफ टेंशन, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं, ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। यार हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे आपके सर की नस भी फट सकती है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो एक बहुत सीवियर इशू है, जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आना, एंगर की वजह से, चिड़चिड़ के वजह से, चिड़चिड़ मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं चिड़चिड़ को इंग्लिश में, बता
क्लियर है भाई, इन सब की वजह से आप लोग को यार हाइपरटेंशन हो सकता है। देखो यार, जिनके साथ भी हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप लोग उनके साथ बहस कभी मत किया करो। आई नो कि आपको उनकी बातों को बुरा लग सकता है, बट यार उनको ना प्रॉब्लम है, उनके साथ ही बीमारी है। अगर आप उनके साथ बहस करोगे, गुस्सा करोगे, तो होगा क्या कि आप तो ठीक रहोगे, उनकी सर की नस पड़ जाएगी, मर जाएंगे वो लोग। क्लियर भाई, आप चाहते हो ऐसा कुछ हो? नहीं हो। ज्यादातर आप देखना कि जो थोड़े से ज्यादा एज के होने लग जाते हैं लोग, तो उनको हाइपरटेंशन रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हाई बीपी का हो जाना वो कहलाता है हाइपरटेंशन। क्लियर है दोस्त? तो आइए, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाइपरटेंशन है, गुस्से वाली सिचुएशन, तो ऐसे आसन करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप लोग को थोड़ा शांति मिल सके। मेडिटेटिव फॉर्म के आसन, तो मैक्सिमम इसके अंदर आप लोग को मेडिटेटिव फॉर्म के आसन मिलेंगे, और मैक्सिमम आसन इसमें भी रिपीटेटिव मिलने वाले हैं जो दूसरे डिसीज में देख चुके हो। समझ में आया दोस्त? तो चलिए शुरुआत करते हैं आसन फॉर हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले ताड़ासन और कटी चक्रासन, दोनों को हम लोगों ने इससे पहले रिस्पेक्टिव डिसीज में कवरअप कर चुके हैं। ये दोनों आसन आपको हाइपरटेंशन से सही करते हैं। क्लियर है भाई? इसके बाद आता है उत्तना पादासन। तो उतना पादासन में आप लोग को करना क्या है, देखो कुछ इस तरीके से। आपको बेसिकली लेट जाना, पहले दोनों पैरों को ऊपर कर लेना, और देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और स्क्वीज करके रखना, साथ में आपकी जो जो मुंडी है, आपका हेड, वो पीछे की तरफ हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई? तो एक्चुअल में उत्तन पादासन, पादन और उत्ताना पादासन को कहा, क्या कहा जाता है? तो उत्ताना का मतलब होता है इंटेंस स्ट्रेच और लाइंग ऑन द बैक विद द फेस अप। पादासन का मतलब होता है फुट एंड लेग, है ना, और आसन का मतलब तो पोस्चर होता है। तो आखिर किस किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है? तो ये आप लोग के चेस्ट, एब्डोमिनल और आर्म्स और लेग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपकी बॉडी का टोटल इंटरनल एक्सटर्नल ये स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी करता है। क्लियर है भाई? साथ में अगर मैं कहूँ तो अगर आपकी बॉडी के अंदर लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर बैक आर्च में आपका दिक्कत आता है बनने में, या आपके हिप्स और जॉइंट्स में पेन वगैरह होता है, तो उसको ये सही करता है। क्लियर है भाई? अगला स्पेसिफिक आसन है जिसका नाम है अर्धहालासन। तो अर्धहालासन को समझते हैं मोदी जी के साथ। अगला अभ्यास अर्धहालासन, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री। नितंब से कंधे तक का शरीर बिल्कुल सीधा रहे, बहुत अच्छा, एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रही, श्वास छोटे हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आइए, वापस आइए, विश्राम कीजिए। ये आसन उक्त रक्तचाप को दूर करने में मदद करता है। इस साल का हमारा थीम है हृदय स्वास्थ्य के लिए योग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो अगला आपका जो स्पेसिफिक आसन है जिसका नाम है सरला मत्स्य आसन। तो सरला मत्स्य आसन को क्या कहा जाता है? तो एक्चुअल में इसको भी फिश पोज कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये एक किस्म से बैकवर्ड रिक्लाइंडिंग बैक बेंडिंग आसन है, हाथा योगा के अंदर आता है, मॉडर्न योगिक आसन के अंदर इसको भी इंक्लूड किया गया है। इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? बहुत ईजी है, सीधा सा लेट जाना आप लोग को, अपने दोनों हाथों को बट के नीचे रख लेना है और अपनी मुंडी को पीछे की तरफ कर लेना है। क्लियर है दोस्त? तो इसके वजह से बेनिफिट क्या होता है? तो जिनको सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम, ये उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। साथ में जिनको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बेनिफिशियल है। लेग्स और हिप्स की मसल को स्ट्रेंथनिंग अगर आपको देना है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद अगला आता है गौमुख आसन, जिसको हम लोगों ने इससे पहले कवर अप कर चुके हैं डिसीज में। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं समझना कि इसको मैं छोड़ रहा हूं, इससे पहले पढ़ा चुका हूं। क्लियर है भाई? अगला आप लोग देखोगे जैसे उत्तना मेंढुकासन, वक्रासन, भुजंगासन, ये इससे पहले वाले डिसीजेज में पढ़ चुके हैं और ये सभी के सभी हाइपरटेंशन को भी ठीक करते हैं। इसके बाद अगला है आप लोग का जिसका नाम मैं कहना चाहूंगा, जिसका नाम है मकरासन। ठीक है जी, तो मकरासन को आइए जानते हैं मोदी जी के साथ। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, आराम से अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाए, उचित दूरी बनाए, दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखिए, अपने सिर को दाई तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखे और विश्राम कीजिए। इस आसन को हम मकरासन कहते हैं, सभी लोगों को करना है। लेट जाइए, तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में मकरासन सहायक है।
तो आई होप तुम लोग को क्लियर है। अगले जो आसन है जिसका नाम है शवासन, चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं मोदी जी के साथ। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों को हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखों को बंद कीजिए। गहरा लंबा सांस लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास क्रिया पर ध्यान दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शवासन चिंता और तनाव के प्रबंधन में मदद करता है। शरीर और मन को संपूर्ण विश्रांति प्रदान करता है। धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। उठने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ना। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसके बाद आता है सिताली प्राणायाम, तो चलिए इसको भी समझते हैं मोदी जी के साथ। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को किनारे से मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए आराम से। नासिका से धीरे धीरे श्वास, और एक बार नासिका से श्वास लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। दो बार और दोहराएं। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अगला होता है आप लोग का कपालभाति प्राणायाम, जिसको हम लोगों ने पहले कवर अप कर चुके हैं। फिर से रिपीट करके क्या ही मतलब है, जिसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और आई होप वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहां से आपका होता है चैप्टर समाप्त। आप लोग को बेसिकली करना है क्या, ये सभी चीजों को पढ़ने के बाद आप लोग को लगाना है सैंपल पेपर। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ बाकी सभी के सभी पांचों सब्जेक्ट आप लोग को इंक्लूड करके दिए गए। अगर आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, सबके लिए आपको ये बेनिफिशियल होगी। सबके सब इसको लेकर यार पढ़ सकते हैं, धमाकेदार से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत तगड़ी बुक है। इसके अंदर जितने भी सैंपल पेपर दिए, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एग्जाम नजदीक है, इस सैंपल पेपर के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग चाहो तो इसको अमेज़न के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, सस्ते दाम पे मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहो तो Amazon Kindle मतलब ईबुक के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो और सस्ते में मिल जाएगी वो। क्लियर दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको ग्रैब करें। सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है, तो जल्दी से जाएं और इसका फायदा उठाएं। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो Unacademy में, टेलीग्राम के चैनल को, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ में दोस्तों मुझे आप लोग इंस्टा में भी फॉलो अप कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स। बाय।